हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं। कईयों ने कपड़ों की गठरी बोली। स्लो मोशन में आपको दिखाऊंगी, प्लीज आप देख के बताना कि हो सकता है उसने उसके नीचे इनर पहना हो, ग्रे कलर का इनर पहना हो उसने, और जो उनके सूट की व्हाइट कलर का सूट जैसा कि अभी आपने देखा वो खुला है, लेकिन मतलब वो पुरानी वाली पिक है उनकी, प्रिया की और अभी वाली। लेकिन प्रियंका, मैं तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ, प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना। जो भी मेरे साथ अभी ये वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रियंका, आपने बच्चे के कफन के बारे में बोल दिया यार, ये बहुत गलत, बेटा बहुत ही गलत करा आपने। आप माना यूट्यूबर जो है, यूट्यूब फैमिली है, वो हमारी फैमिली है, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी नहीं था कि एक एक चीज सब शेयर करो। मतलब ऐसी इमोशनल बातें भी आप मतलब शेयर करो, तो कुछ चीजें तो आप अपनी पर्सनल रख लो ना। ऐसे तो हम लोग किसी के लिए भी नहीं बोल सकते जो दुनिया में बेबी अभी आया ही नहीं, वो भी मूव कर रहा है, आप उसको फील कर रहे हो, आप उसके साथ हो, आप उसके मरने का वेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि व्हाइट उन्होंने मतलब कि टॉवल, सॉरी व्हाइट कह रही हूँ, रेड टॉवल बोल दिया। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपका तो बेबी अभी, जैसे कि आपने पोजीशन बताई कि उसकी ये वाली हालत है, ये पोजीशन है, वो बेबी अभी कम्प्लीटली वो बना नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बेबी बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल था। जैसे कि एक मान्या यूट्यूबर है, जो प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो नए यूट्यूबर्स मतलब नए तो नहीं है, ओल्ड ही हैं, तो बोल रहे थे इनके साथ कि सिजेरियन होता है, नहीं मेरा भी डिलीवरी नॉर्मल ही करवाई थी डॉक्टर ने, कि सिजेरियन करवाने का मतलब नहीं है, जब चीज़ भी हाथ में नहीं आई और सिजेरियन भी हो गया। तो ये एक माँ की फीलिंग ही है जो बोल रही है, अभी अलग अलग वीडियोस में आपके सामने आ रही है। तो प्रियंका ऐसा मत करो, आपके आपके हस्बैंड के साथ बहुत, तो आप लोग मतलब इस टाइम पे जिस सिचुएशन से निकल रहे हो ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। माना यूट्यूब पे आपकी बहुत बड़ी फैमिली एक बन चुकी है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल रहने दो, कुछ इमोशनल बातें जो हैं वो अपने फैमिली के साथ करो। अभी जो है एक बड़ी यूट्यूबर है, बड़ी ही यूट्यूबर है वो भी प्रेग्नेंट है, सबको शायद इशारा थोड़ा मिल गया होगा, पिछले 2 महीने से वो वीडियो नहीं बना रही, और अगर कल उसकी वीडियो आई भी है वो इतनी ही दिख रही जितनी अभी मैं आपके सामने हूँ, क्यों वो अपना फुल कैमरा में फुल स्क्रीन मतलब अपने आपको दिखा भी नहीं रही, ठीक है। और उसने बताया तक नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हम लोगों को जो शक है वो 100% श्योर है, ठीक है। और प्रियंका, आप इतनी इस टाइम पे मतलब आपकी सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में तो बंदा सोच भी नहीं सकता, और आप वीडियो पे वीडियो बना रहे हो, डोसे पे डोसे खा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इतना सब आप मतलब खुल के ना हो, आप बड़े यूट्यूबर हो, 5.5 लाख आपके सब्सक्राइबर है, हम लोग तो बहुत ही छोटे से यूट्यूबर हैं, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बेटा तुमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपनी फैमिली तक ही रखें। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताना कि मैंने क्या सही बोला है, सही बोला है। एक मैसेज दे रही हूँ कि कुछ बातें आप अपनी फैमिली तक ही रखें, जरूरी नहीं है आपको दुनिया को ढिंढोरा पीटना, दुख का भी, सुख का तो समझ में आता है, दुख का भी मतलब दुआएं, आपने कहा दुआएं करिए, सब करें, लेकिन आपने ना सबकी इमोशनल मतलब इमोशनली खेलना है, वो चीज़ें मत करिए, और पूरा परिवार साथ दे रहा वो भी गलत है। बिजी रहो, भगवान का ध्यान करो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। तो थैंक यू।